जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लॉकडाउन 3 जो है तृतीय चरण में, उसको 17 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। इसी को देखते हुए कुछ छूट भी दी गई है, क्योंकि हमारा जिला ग्रीन जोन में है। सुबह 7 से 2 बजे तक के लिए जो दुकानें हैं उनको लेकर के छूट दी गई है। विस्तृत नगर बलदेवगढ़ में 10 मई 2020 को शासन के आदेश के द्वारा मिठाई की दुकानें खुलवाकर पुरानी मिठाइयां जो कि फ्रिज में रखी गई कई दिनों से खराब पड़ी हो गई थीं लॉकडाउन के कारण, उन मिठाइयों को दोबारा यूज न कर सकें, प्रशासन ने मिठाइयों की दुकानें खुलवाकर नेस्ट की मिठाइयां बमोरी तगेला बस स्टैंड एवं बाजार से सभी दुकानों की मिठाइयां हटाकर नष्ट की गईं। यह कार्रवाई नगर परिषद के अमले के साथ पुलिस एवं राजस्व विभाग के साथ तहसीलदार कमलेश कुशवाहा, खाद अधिकारी राकेश पटेल, पुलिस प्रशासन ASI रिंगी कोरी मोइन खान, सदर पटवारी विक्रम अहिरवार एवं नगर परिषद से प्रेमलाल बुनकर और नगर परिषद के कर्मचारी ने मौके पर रहे उपस्थित। इसके बाद तहसीलदार कमलेश कुशवाहा द्वारा हिदायत दी गई पुरानी मिठाइयां कोई भी ना रखे और दुकान की साफ सफाई रखी जाए। शासन के आदेशों द्वारा अच्छी पहल की गई, इसकी लोगों द्वारा सराहना की जा रही है। टीकमगढ़ क्षेत्र से SRV पर जमील खान की रिपोर्ट। जैसे कलेक्टर महोदय का निर्देश है कि जो भी आपके अनुभाग में मिठाइयों की दुकान है, पुरानी मिठाई जो रखी हुई है उसका इस्तेमाल ना हो सके दोबारा, इसलिए उनको नष्ट करवाई जा रही है। अभी कोर्ट अधिकारी भी आए हुए हैं हमारे साथ में और पुलिस बल भी है। इसके माध्यम से हम जितनी भी मिठाई की दुकान है उनमें जो रखी हुई स्टॉक है उसको नष्ट किया जा रहा है। पूरी मकान जब संचालन करो तो पूरी धुलाई करो।